स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मेंडल्स के सामान्य परिचय, मेंडल का जीवन परिचय और मेंडल से पूर्व हुए प्रयोगों के बारे में जानेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम मेंडल के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए अध्ययन करते हैं मेंडल्स के जीवन परिचय से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना विशेष ज़रूरी है। तो इनमें से सबसे पहले है कि वंशागति हेरेडिट्री क्या होती है, यानी आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, हेरिडिट्री क्या होती है। तो जैसा कि आप नाम से परिचित हैं कि कोई भी पैतृक पीढ़ी होती है यानी पेरेंटल जनरेशन, तो पैतृक पीढ़ी में पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण वंशागति हेरिडिट्री कहलाता है। पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का ट्रांसफर या स्थानांतरण हेरिडिट्री वंशागति कहलाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न जीवों के लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स ये शब्द आप काफ़ी समय से जानते हैं, पढ़ते आए हैं। तो जेनेटिक्स जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने 1906 में किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग बेटसन ने 1906 में किया था। जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू यानी वृद्धि करना। याद रखें, जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द जीन से हुआ है जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू यानी जिस वृद्धि करना। तो ये हुए मेंडल के वंशागति के बारे में कुछ छोटे मोटे जानकारियां जो आपको होनी चाहिए। तो आइए अब आगे अध्ययन करते हैं ग्रिगोर मेंडल का जीवन परिचय, यानी मेंडल का जीवन परिचय क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो मेंडल का जो जन्म है 22 जुलाई 1822 को माली के घर पर हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल में इन्होंने प्रवेश लिया और ओल्म्स OLMUTZ एक ओल्म्स की संस्था में इन्होंने प्रवेश लिया था, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण इन्होंने संस्था छोड़ दी और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी फेल होने के कारण 1843 में ब्रुम नामक शहर में धार्मिक मठ में पादरी का पद ग्रहण किया जहां इन्हें ग्रेगरी की उपाधि मिली। इन्होंने अपने पिताजी के फार्म हाउस पर प्लांट्स एंड एनिमल्स पर कई प्रयोग किए और लगभग 8 वर्षों के चर्च के उद्यान में मटर व अन्य पौधों पर प्रयोग करके उनके निष्कर्षों को सन 1866 में द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन्स, ये एक पत्रिका का नाम है, याद रखें इस पत्रिका के नाम को, द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन्स नामक पत्रिका में एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिड नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। यानी जो ये बुक थी उस बुक पर
एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिड्स नामक शीर्षक से इन्होंने अपने जो भी प्रयोग किए थे उन प्रयोग को उस बुक के अंदर प्रकाशित किया। विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्रों को गणितीय रूप में होने के कारण इनको, यानी जो इन्होंने कार्य किया था, उनके कार्य को विशेष महत्व नहीं मिला और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। तब ये अपना समय विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में शिगार व प्रचुर पोषण युक्त भोजन के उपयोग पर ये चर्चा करा करते थे। 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सन 1900 में 1900 सन 1900 में जर्मनी के, अब जो तीन वैज्ञानिक को नाम याद रखना, अपनी मृत्यु याद रखें, 1884 में हुई, हालांकि कोई विशेष महत्व नहीं, लेकिन कितने समय के बाद इनके कार्यों को दोबारा से महत्वता मिली, इसी के बारे में हम जान रहे हैं। तो सन 1900 में जर्मनी के कार्ल कोरेंस, जो कि बॉटनिस्ट थे, नीदरलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, जो कि बायोलॉजिस्ट थे, तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमेक, जो कि बॉटनिस्ट थे, इन तीनों ने स्वतंत्र रूप से मेंडल्स के नियमों की पुनः खोज की और इसी समय से मॉडर्न जेनेटिक्स का प्रारंभ हुआ। तो ये हुए ग्रिगर जेवन मेंडल का परिचय। अब हम तीसरे चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं और वो है मेंडल से पहले के और क्या क्या प्रयोग किए गए थे, तो जिनको पूर्व मेंडलीय प्रयोग के नाम से जाना जाता है। मेंडल से पूर्व कई वैज्ञानिकों ने संकरण प्रयोग किए, परंतु मेंडल एक समय में एक विशेषक यानी ट्रेट्स पर ही ध्यान देते थे, यही उनकी सफलता का रहस्य था। संकरण प्रयोगों से पूर्व इसी क्षेत्र में एक जर्मन बॉटनिस्ट जे कॉल र्यूटर, याद रखें जे कॉल र्यूटर प्रमुख नाम आता है मेंडल के प्रयोगों से पूर्व, इन्होंने तंबाकू पर संक्रमण प्रयोग किए, यानी टबॉक के तंबाकू पर संक्रमण प्रयोग किए और इनसे प्राप्त संकरित पौधों को पेरेंटल प्लांट से तुलना की। इन्होंने यह प्रदर्शित किया कि संकर पौधे पैतृक व मातृक प्लांट्स में से किसी एक के समान ना होकर इनके इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती थे और हाइब्रिड्स प्लांट्स में पेरेंटल व मैटरनल यानी पैतृक और मातृक दोनों ही प्लांट्स का समान योगदान था, यानी कि दोनों ही पीढ़ी, यानी फर्स्ट पीढ़ी जो पेरेंटल पीढ़ी है, जिसमें माता और पिता दोनों के करैक्टर्स उसमें आ रहे थे। जे कार्ल र्यूटर ने रेसिप्रोकल क्रोसिस यानी व्युत्क्रम संक्रमण भी प्रदर्शित किए, यानी कि जैसे ए माता है, पिता है, माता है और बी पिता है, तो इन्होंने उल्टा किया, यानी बी माता को लिया है और ए पिता को लिया है, तो ऐसे उल्टे क्रमों को व्युत्क्रम संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रोसिस कहा जाता है। तो इस तरह के प्रयोग भी जॉल कॉलर्यूटर ने भी किए थे। कॉलर्यूटर ने तंबाकू के लंबे व बौने पौधों को संक्रमित कर पहली पीढ़ी में सभी पौधे मध्यम परिमाण के प्राप्त हुए। पहली पीढ़ी के इन हाइब्रिड प्लांट से बनने वाली आगे की पीढ़ियों में लंबे से लेकर बोने तक विविध परिमाण के प्लांट्स थे। ये यानी जे कॉलर्यूटर इन परिणामों की व्याख्या उस समय नहीं कर पाए थे। बाद में मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस के रूप में इसकी ठीक ठीक व्याख्या हो सकी थी। इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिकों में जैसे गार्टनर का नाम भी आता है, नॉर्डिन का नाम भी आता है और डार्विन, इन्होंने भी कई संक्रमण कार्य की है। एक वैज्ञानिक थे नाइट, के NIGST, नाइट तथा गॉस,
ने मेंडल्स की तरह मटर पर संक्रमण प्रयोग किए। याद रखें, नाइट और गॉस, जिन्होंने मेंडल्स की तरह ही मटर पर प्रयोग किए और कॉलरूटर की तरह ही पाया था कि रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन यानी व्युत्क्रम संक्रमण के द्वारा समान परिणाम प्राप्त होते हैं, परंतु ये वैज्ञानिक अपने परिणामों को उस प्रकार न्यूमेरिकल एनालिसिस ना कर सके जैसा 1866 में मेंडल ने किया था। इसलिए इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म को वो समझ नहीं सके। तो ये कुछ प्रयोग थे जो मेंडल से पहले किए गए थे। इन खास वैज्ञानिकों का नाम इसमें अच्छी तरह से आता है, जिनमें जे कॉलरूटर और नाइट और गॉस, इसी प्रकार कुछ गार्डनर का भी नाम आता है, नॉडिन का और डार्विन का भी आता है। तो इस तरह से ये प्रयोग मेंडल के पूर्व भी किए गए थे, लेकिन मेंडल ने सिर्फ एक समय में एक ही लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, इसलिए उनके परिणाम ज़्यादा एक्यूट निकले और उनका वो गणितीय विश्लेषण भी कर सके। लेकिन उस वक्त मेंडल से पूर्व के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग किए थे, वो गणितीय विश्लेषण ना कर पाने के कारण आगे वो समझा नहीं पाए, और इसलिए वो इन मेंडल की वंशागति के नियमों को वो समझा पाने में असमर्थ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, यानी मेंडल की वंशागति के नियम के क्या सामान्य परिचय है, मेंडल्स का जीवन परिचय क्या है और मेंडल से पहले क्या क्या प्रयोग किए गए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने मेंडल्स की हिस्ट्री और मेंडल से रिलेटेड कुछ प्रयोगों के बारे में जाना। धन्यवाद।